जम्मू कश्मीर में पिछले 3 साल में 733 आतंकवादी मारे गए। लोकसभा में गृह मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई कि साल 16 जून तक 113 आतंकी मारे गए, जबकि 18 आम नागरिक भी मारे गए। 2018 में 257, 2017 में 213 आतंकी मारे गए, जबकि 2016 में 150 आतंकी मारे गए। सरकार के मुताबिक आतंक के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, कुल मिलाकर जिस तरीके की ये उपलब्धि है, क्योंकि लगातार आतंकियों को ढेर किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर कुछ और ठोस कदम आपको नहीं लगता कि उठाने की जरूरत है? क्योंकि ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा? 733 आज मारे गए हैं आतंकी, और पाकिस्तान और आतंकियों को भेजता रहता है, यानी आप एक मारेंगे तो पाकिस्तान 4 भेज रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय है कि भारत सरकार की जो आतंक के खिलाफ जो पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, और उसी के तहत ऑपरेशन ऑल आउट और भारत सरकार का है, ये जारी है, और इसी का नतीजा है कि 100 से भी ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। तो जो रुख यहाँ पर जाहिर हुआ है अभी सब ने उससे यही इशारा है कि जो मौजूदा नीति है भारत सरकार की कश्मीर के लिए, वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, और इसी तरीके से आक्रामक तरीके से इसी मुंह तोड़ जवाब आतंक जाएगा आने वाले दिनों में, और जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, चाहे वो ऑपरेशन ऑल आउट हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद रखना हो, या फिर अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा बलों को दुरुस्त करना हो, या फिर अन्य जो भी मुद्दा है वो इसी तरीके से जारी रहेगा, और कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी आतंक के खिलाफ। शुक्रिया।